अयोध्या में हिंदू विश्व परिषद ने भावी कार्यक्रमों के आयोजन की रणनीति बनाने तथा भविष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर विचार विमर्श के लिए रामनगरी के कारसेवकपुरम में बैठक शुरू कर दी है। कारसेवकपुरम में आयोजित विहिप के अवध प्रांत की योजना बैठक में संगठन की ओर से पूर्व घोषित राम महोत्सव समिति के अन्य बिंदुओं पर विचार मंथन किया जा रहा है। बैठक में हिंदू विश्व परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंपत राय, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अमरीश सिंह समेत पूरे अवध क्षेत्र के 22 जनपदों के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस योजना बैठक में बदले हालात से उपजी परिस्थितियों पर भी विचार मंथन किया जाएगा। विहिप की कोशिश राम महोत्सव के माध्यम से गांव-गांव में समितियां बनाकर राम की मूर्ति स्थापित कराने और इनकी पूजा करवाकर पूरे देश में राममय माहौल बनाने की है। प्रांत के पदाधिकारियों ने बताया कि पूरे देश में राम महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इस महोत्सव को देश के 2,75,000 गांव तक ले जाना है। महोत्सव के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में रथ यात्रा निकाली जाएगी। देश के 2,75,000 गांव में हम श्री राम महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इन श्री राम महोत्सव के कार्यक्रम में कितनी संख्या में लोग जो है कार्यक्रम करेंगे, कहाँ कहाँ पर समितियाँ बनेंगी, किस किस प्रकार से योजना बनाई जाएगी, उसी को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए इस प्रकार की बैठक का आयोजन किया गया है। और हम सम्मान कर चल रहे हैं कि हर गांव में समितियाँ बने ताकि आने वाले दिनों में भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उसके पूर्व राममय वातावरण बने, भगवान राम लला जहाँ पर विराजमान होंगे उसके पूर्व संपूर्ण देश राममय हो जाए, इसका प्रयास होगा। जगह जगह पर रथ यात्राएं निकलेंगी, जगह जगह पर जो है सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, इसके बाद जो है संत धर्माचार्यों का प्रवचन, इस प्रकार से कार्य योजना तय।